बिहार के अंदर जो ये नरसंहार हो रहे हैं, हत्या अपहरण लूट बलात्कार हो रहे हैं और निर्वस्त्र कर करके किस तरह से वातावरण को माहौल को दूषित किया जा रहा है, सरकार मौन क्यों है? इस पर भी तो जवाब देनी चाहिए, इस पर भी लोगों को बोलना चाहिए। आज बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय दोनों जगह जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे बिहार में तो अघोषित आपातकाल है जी, हम आज ही मुजफ्फरपुर भी जाएंगे और आज ही बेगूसराय भी जाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार ने अपराधियों को बढ़ावा दे रखा, इसलिए बिहार में जनता का राज नहीं बल्कि अपराधियों का राज देखने को मिल रहा है। ये तमाम बातें बिहार के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की है। दरअसल बीते दिनों मुजफ्फरपुर में बड़े बिल्डर आशुतोष शाही की अपराधियों ने हत्या कर दी, जिसके बाद से बिहार जो है मुजफ्फरपुर जो है एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से हिल उठा है। जहां एक तरफ बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है कि नीतीश कुमार को घेरे बिहार पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए, तो देखिए जो विजय सिन्हा से जब सवाल पूछा गया मुजफ्फरपुर कांड को लेकर के, मुजफ्फरपुर में हुए हत्याकांड को लेकर के, तो क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह से नीतीश कुमार पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मुजफ्फरपुर जाएंगे और नीतीश कुमार से सवाल पूछेंगे, उन्हें हर एक बात का जवाब देना होगा। विजय सिन्हा की तमाम बातों के साथ आप कुछ देखिए। मैं आज जा रहा हूं मुजफ्फरपुर में, जो नरसंहार हुआ है, तीन लोगों की हत्या कर दिया, दो लोग गंभीर सीरियस हैं, और मैं जा रहा हूं वहां देखने। और बेगूसराय में एक दलित महिला को निर्वस्त्र करने का जो खेल हुआ है बिहार के अंदर, और इस तरह की घटना बिहार बंगाल केरला के अंदर लगातार घटती है। मणिपुर की घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर तो प्रधानमंत्री जी का भी आया और एक्शन भी हुआ, लेकिन बिहार के अंदर जो ये नरसंहार हो रहे हैं, हत्या अपहरण लूट बलात्कार हो रहे हैं और निर्वस्त्र कर करके किस तरह से वातावरण को माहौल को दूषित किया जा रहा है, सरकार मौन क्यों है? इस पर भी तो जवाब देनी चाहिए, इस पर भी लोगों को बोलना चाहिए। आज बेगूसराय, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय दोनों जगह जा रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह से सत्ता और कुर्सी के लिए शासन को अराजकता का शिकार बना दिया है। अगर जो उनको है तो उच्च स्तरीय सिटिंग जज से क्यों नहीं जांच करवा देते हैं, क्यों भाग रहे हैं? ये लोग सत्ता और कुर्सी के लिए हत्या को ये लोग हार्ट अटैक का नाम देंगे, सामाजिक समरसता को बिगाड़ेंगे और कह देंगे कि इनका आपसी विवाद है, डाइवर्ट करते हैं मामला को। आरोप नहीं लगा, मीडिया की आवाज को घोषित आपातकाल में चुप कराया जा रहा है। मीडिया तो बड़े हिम्मत करके अपनी बात को रखते हैं, लेकिन मीडिया वाले को जेल की धमकी कार्रवाई। अभी हमने वैशाली गया था, वहां के सोशल मीडिया वाले शिकायत कर रहे थे कि हमने वीडियो चला दिया पीट पीट कर हत्या का, जिसको थाना प्रभारी आत्महत्या कर करार दे रहा था, तो कहा कि तुमको भी अंदर भेजेंगे मनीष कश्यप के तरह। ये मीडिया को धमकी मिल रही है प्रशासन से, और आपने सदन के अंदर भी देखें कि बार बार क्या निर्देश मिलता है, कोई न्यूज बाहर नहीं जाएगा, विपक्ष की ओर दिखाया नहीं जाएगा, विपक्ष आवाज उठाएगी तो मार्शल से बाहर, बाहर में प्रतिवाद करेगा अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध तो लाठियों की बौछार। मीडिया को पूरी तरह से डराने का, प्रतिपक्ष की आवाज को दबाने का, और आज तीन लोगों की हत्या हुआ, ये नरसंहार है, इस नरसंहार पर मौन क्यों है? एक दलित महिला का बेगूसराय में निर्वस्त्र कर दिया गया, कल से वीडियो वायरल है, लोग क्यों मौन है? ये धृतराष्ट्र की जमात बिहार के मुख्यमंत्री सत्ता और कुर्सी के लिए बन चुके हैं। यहाँ पर न्याय की बात नहीं, जिस दिन से इन्होंने कहा जंगल राज को जनता राज, गुंडा राज का में तब्दील हो गया है, अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। वही मुजफ्फरपुर है ना, जहाँ इजराइल मंसूरी मंत्री के ऊपर आरोप लगता है, आवेदन पड़ता है हत्या का, और वो व्यक्ति को ऊपर केस नहीं दर्ज होने देते हैं, सदन के अंदर मुख्यमंत्री कागज भी लेते हैं और धृतराष्ट्र की तरह बैठे रह जाते हैं। आज उसी का परिणाम है ये नरसंहार, तीन तीन लोगों की हत्या का।